नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इधर विगत कई दिनों से मैं आप सभी के पास लॉन्ग वीडियोस लेकर के नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब आपके पास लॉन्ग वीडियोस भी रेगुलरली आती रहेंगी। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। तो आफ्टर द सम टाइम चलिए हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। टर्बाइन का रोलिंग, यदि आप स्लो फायर बॉयलर पर हैं या किसी भी प्रकार के बॉयलर पर हैं और आपको टर्बाइन की रोलिंग नहीं आती है तो आप एक बेकार इंजीनियर हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बेकार इंजीनियर हैं। यदि आप टर्बाइन ऑपरेटर हैं, डीसीएस ऑपरेटर हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय हो जाता है टर्बाइन के रोलिंग के बारे में जानना। तो चलिए आज हम बात करेंगे टर्बाइन की रोलिंग कैसे करते हैं। हनीवेल डीसीएस ऑपरेशन है, इच्चक की इंजीनियरिंग है, त्रिवेणी का टर्बाइन है। देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर हैं उनका मैं ओवरव्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। ये टीजी किलो वाट है, आई मीन टू से दैट इट इज़ अ लोड, टर्बाइन पर लोड जो चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ कि इसी तरीके से टीजी वाइब्रेशन, टीजी टेम्परेचर, इन सब के पैरामीटर आपके सामने दिए गए हैं। ये पैरामीटर मैं आपको बारी बारी से इसलिए दिखा रहा हूँ, पीछे के वीडियोज़ में भी दिखा चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डीसीएस ऑपरेटर के लिए। इसका मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो आपके सामने ये एक्सियल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ये भी एक तरीके का वाइब्रेशन ही मान के चलिए, ये एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है, जो मूवमेंट होता है टर्बाइन के एक्सल्स में ये है। अगर इसमें भी ज़्यादा ट्रिपिंग, मैक्सिमम ट्रिपिंग भी इसमें भी आती है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब हम आपको इसका अलार्म सेक्शन दिखाते हैं। टर्बाइन की ट्रिपिंग वैल्यू कितनी होती है, टर्बाइन जब ट्रिप हो जाती है तो उसके बाद हम कैसे उसको परमिसिव देते हैं स्टार्ट करने का, वो इस विषय पर हम दिखा रहे हैं। देखिए ये मेन स्ट्रीम का लो है, प्रेशर है, हाई है। हमेशा जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी वो लो और हाई पर दी जाएगी। जब हाई होगा उससे ज़रा सा भी बढ़ेगा तो हमारी टर्बाइन ट्रिप हो जाएगी, और लो से भी कम हुआ तो भी हमारी टर्बाइन ट्रिप हो जाएगी। इसी सेक्शन को हमेशा डीसीएस ऑपरेटर को याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी सेक्शन में आपके सारे पैरामीटर दिए जाते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं हमारी टर्बाइन ट्रिप हो गई है, उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे। यही सेक्शन है जो हमारे टर्बाइन को रोलिंग कमांड देता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आप टर्बाइन के सभी अलार्म को एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने के बाद रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद फर्स्ट आउट रीसेट फीडबैक देंगे। उसके बाद टर्बाइन का SV रीसेट करेंगे, फिर LV रीसेट करेंगे, और फिर ESV रीसेट करेंगे, और फिर जा करके गवर्नर स्टार्ट परमिसिव देंगे और हमारा टर्बाइन रोलिंग पर आ जाएगा। एक बार के लिए हम आपको ये दिखा भी देते हैं कि ये किस तरीके से रोल करता है। हालांकि टर्बाइन अभी हमारी स्टार्ट पोजीशन पे है तो हम तो ऑफ करके आपको दिखा नहीं सकते, फिर भी मैं एक ऑपरेशन आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए हमारी टर्बाइन जब ट्रिप करती है तो उस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामने ये आ जाता है कि जब हम स्टार्ट परमिशिप दे रहे हैं, उस स्टार्ट परमिशिप में अलार्म्स कौन कौन से आ रहे हैं। जब भी आप जाएंगे तो अलार्म सेक्शन को खोलिए और देखिए कि उसमें अलार्म कौन से आ रहे हैं। सारे अलार्म्स को एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेज करने के बाद फिर रीसेट करिए। एक्नॉलेज करने का मतलब ये होता है किसी भी अलार्म को एक्सेप्ट करना। जब आप किसी भी गलती को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उसे सुधारेंगे। बिल्कुल उसी फंडे से जब आप अलार्म को एक्नॉलेज करेंगे उसी के बाद आपका अलार्म रीसेट होगा। हमेशा की तरह मैं इन सारे अलार्म्स को एक्नॉलेज करूंगा और फिर उसे रीसेट करूंगा। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पहला प्रोसेस यही है, सारे अलार्म को आप एक्नॉलेज करके रीसेट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर हम चलते हैं, टर्बाइन के सीधा ट्रिप सेक्शन या टर्बाइन के ओवरव्यू पे। अब आप कैसे पता करेंगे कौन सा अलार्म हेल्दी हुआ है और कौन सा अलार्म नहीं हेल्दी हुआ है, तो वो होता है गवर्नर का स्टार्ट परमिशिप। जब भी आप गवर्नर का स्टार्ट परमिशिप खोलेंगे तो सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो एंड गेट ऑपरेशन पर होगा। एंड गेट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन नहीं हेल्दी है तो शायद आपका टर्बाइन रोल ना करे। इसलिए ये सारे वैल्यूज़, ये सारे अलार्म सेक्शन को आप एक बार अच्छे से जांच लें, फिर आप अपने टर्बाइन को रोलिंग पर लाएं। यदि आपको टर्बाइन DCS से, बॉयलर DCS से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और जान लें, इस पूरे सेक्शन में कोई भी वैल्यू, किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंशन है, आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।